आपको बता दें गैलेक्सी नोट 9 को लेकर उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इसे 9 अगस्त को लॉन्च कर सकती है। स्मार्टफोन को लेकर सामने आ रही जानकारी के अनुसार कंपनी इसके कैमरे में कई बदलाव कर सकती है। वहीं अब इस डिवाइस का एक रेंडर सामने आ चुका है, जी हां, जिसमें इसके डिजाइन को देखा जा सकता है। बता दें कि ट्रिपस्टर वर्ल्डलीक्स ने गैलेक्सी नोट 9 के 3D रेंडर को पेश किया है। इस रेंडर को 91 मोबाइल्स के साथ मिलकर पेश किया गया है। इसमें गैलेक्सी नोट 9 का देखने में बिल्कुल गैलेक्सी S9 की तरह लग रहा है। इस अनऑफिशियल रेंडर में देखा जा सकता है कि गैलेक्सी नोट 9 का डिजाइन गैलेक्सी S9 की तरह ही है। वैसे जानकारी के अनुसार बता दें डिवाइस ग्लास बैक और वर्टिकल ड्यूअल कैमरा के साथ आएगा, जैसा कि गैलेक्सी नोट 8 में देखा जा चुका है। हालांकि फिंगरप्रिंट सेंसर कैमरा मॉड्यूल के नीचे होगा। रेंडर में इस बात की पुष्टि हुई है कि गैलेक्सी नोट 9 सैमसंग का पहला स्मार्टफोन नहीं होगा जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आएगा। डिवाइस में वॉल्यूम रोकर बटन और पावर बटन लेफ्ट साइड में होगा, जी हां, साथ ही इसमें राइट की ओर बिक्सबी बटन होगा। स्मार्टफोन में 3.5 mm ऑडियो जैक भी होगा। नेक्स्ट 9 टेक की रिपोर्ट।